Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mom's Fun Way Teaching. Today we will discuss about math worksheet for class first. ठीक है, तो class 1 के बच्चों को जो कुछ भी सिलेबस में होता है उससे रिलेटेड मैंने ये वर्कशीट बनाई है. उसमें सिलेबस में जो कुछ रहता है, जो भी टॉपिक कवर किया जाता है, उसमें से कुछ टॉपिक पे मैंने वीडियोस ये बनाया है वर्कशीट. और भी वर्कशीट बनाएंगे जिसमें और टॉपिक को कवर करेंगे. तो ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले है लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड आंसर द क्वेश्चन. ये नंबर स्ट्रिप दी हुई है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बना सकते हैं. लिखा है मैंने राइट द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, 6 है, 6 के बिफोर नंबर क्या हो जाएगा, 5. हियर 4 के नंबर स्ट्रिप में देखना है 4 के बिफोर 3. 9 के बिफोर क्या है, 8 के बिफोर 7. इस तरीके से आप वर्कशीट बनाइए. स्टार्टिंग में आप इस तरीके से नंबर स्ट्रिप दे सकते हैं. उसके बाद जब ये बच्चा इसमें करने के लिए वो अच्छे से तैयार हो जाए, वो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप विदाउट स्ट्रिप के नंबर बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में था बिफोर नंबर, इसमें है आफ्टर नंबर. 6 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, 7. इस नंबर स्ट्रिप को देखते हुए बच्चे को करना है. 4 के आफ्टर 5, 9 के आफ्टर 10, 7 के आफ्टर 8. नेक्स्ट है राइट द नंबर बिटवीन द गिवन नंबर. कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बिफोर नंबर आफ्टर नंबर दिया है, बिटवीन नंबर्स में लिखना है 7, 8 हो जाएगा. 4, 5, 6, 8, 9, 10. 7, 9 के बीच में कौन सा नंबर रहेगा, 8. ठीक है, ये बच्चे को इस तरीके से नहीं करना, ये नंबर स्ट्रिप देखते हुए इसको करना है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल. इसमें जो भी ऑप्शन सुटेबल हो उसको बच्चे को इसमें लगाना है. जैसे 10 और 12 में कौन सा सिंबल आएगा, तो जो नंबर बिग होता है, बड़ा होता है, उसके तरफ ये एरो होता है. 9 और 31 में इसमें भी इस तरीके से एरो हो जाएगा. 6 और 4 में इस तरीके से एरो रहेगा. 7 और 7 ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये सिंबल रहेगा इक्वल का. नेक्स्ट वर्कशीट आप बना सकते हैं, जैसे टिक द स्मॉलेस्ट नंबर. इसमें जो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर टिक करना है. 2, 7, 9 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है. 8, 6, 3 स्मॉलेस्ट नंबर इज 3. 1, 0, 8 स्मॉलेस्ट नंबर इज 0. 4, 5, 2 स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. 10, 5, 6 स्मॉलेस्ट नंबर इज 5. ठीक है, इस तरीके से. फिर है टिक द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को आप सिखाइए, उसके बाद इस तरीके से वर्कशीट बना के दीजिए. 7, 3, 2 लार्जेस्ट नंबर इज 7. 1, 3, 4 लार्जेस्ट नंबर इज 4. 5, 0, 6 लार्जेस्ट नंबर इज 6. 7, 5, 0 लार्जेस्ट नंबर इज 7. इस तरीके से आप वर्कशीट बना करके बच्चे को करने के लिए दीजिए. नेक्स्ट वर्कशीट है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे को, चाहे आप नंबर लाइन बना दीजिए, नंबर लाइन पे बच्चे को करने के लिए दीजिए. अगर नंबर लाइन उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आराम से इस तरीके से कर ले रहा है, तो वो पहले सबसे देखे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. 2 है तो 2 लिखें, फिर 3, फिर देन 4, देन 6, 7 एंड 9. इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इस तरीके से आप बना करके दे सकते हैं. ये है राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर लिखना है. तो 81 इज़ द बिगेस्ट नंबर, देन 71, देन 31, देन 21, देन 11. काउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट बैकवर्ड्स एंड राइट. बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, उसके बाद नंबर्स लिखने हैं. 56,
54, यहाँ हो जाएगा 53, 52, 51, 50, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट डाउन द नंबर 156, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, तो 156 ये है न्यूमरल फॉर्म। नेक्स्ट वर्कशीट है स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड टिक टिक, ये टिक करना है, राइट टिक द करेक्ट पिक्चर, लिखा है यहाँ पे फिफ्थ, तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर पे क्लिक टिक करना है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर इज ये, फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ पे ये है स्टार्ट। काउंट एंड कंप्लीट द एडिशन फैक्ट, काउंट करना है और एडिशन फैक्ट को कंप्लीट करना है। एडिशन का फैक्ट क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 है तो यहाँ पे लिखना है 4, फिर प्लस का सिंबल लगाना है, फिर 1 2 3, यहाँ पे लिखना है 3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे ना लगा करके इक्वल का सिंबल यहाँ पे लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखना है 7, इस तरीके से एडिशन के फैक्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डू 3 and 7 में, ठीक है, 3 और 7 मिल करके कितने होते हैं, कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर इज 6 more than 3, व्हाट नंबर इज 6 more than 3, 3 से 6 नंबर ज़्यादा कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। वॉट इज 7 + 0, 7 + 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर सेम वही नंबर आता है जिस नंबर में 0 ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ऐड अक्रॉस एंड डाउन 3 + 6, 3 + 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 3 + 4 ऐड करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 7, 6 + 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ब्लॉक में। फोर प्लस टू इज इक्वल टू 6, 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 7 + 8 इज इक्वल टू 15, इस तरीके से। इसको 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 1 + 7 इज इक्वल टू 8 और 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 2 + 7 इज इक्वल टू 9। अब इसको ऐड करेंगे 4 + 9 इज इक्वल टू 13, इधर से इसको ऐड करेंगे तो भी 13 ही आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंसेस, डिफरेंसेज इसमें बताने हैं, 7 - 4, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से वर्कशीट आप बनाइए, बच्चे को रिवीजन आसानी से आप करा सकते हैं। राइट टेंस एंड वंस, इसमें टेंस और वंस लिखना है, 12 वंस है तो क्या हो जाएगा 1 tens and 2 ones, इसमें 2 tens, 5 ones, 3 tens, 0 ones, 1 ten, 6 ones, 2 ten, 9 ones। नेक्स्ट है अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में इसको लिखना है, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है 5, फिर 7, देन 8, देन 16, देन 19, उसके बाद इसमें क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6, देन 7, देन 9, देन 10, देन 11, ठीक है, इस तरीके से आप वर्कशीट बना करके बच्चे को रिवीजन करा सकते हैं। यह वर्कशीट है क्लास 1 के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।